हाथरस में निर्माणधीन मैरिज होम में देर रात चोरों ने बोला धाबा, लाखों रुपए की कीमती सामान लेकर हुए फरार। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के अलीगढ़ आगरा लहरा बाईपास पर निर्माणधीन मैरिज होम से देर रात अज्ञात चोरों ने दरवाजे का कुंडा काटकर कमरे में रखे लाखों रुपए की कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। निर्माणधीन मैरिज होम के कमरे में रखे सिलेंडर, जनरेटर जैसे कीमती अन्य सामानों को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा कर चोरी कर ली गई। वहीं इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह जब निर्माणधीन इमारत के मालिक अपने निर्माणधीन इमारत पर पहुंचे तो देखा कि कमरे के दरवाजे का कुंदा कटा हुआ और दरवाजा खुला हुआ था। जब अंदर जाकर देखा तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, वहीं कीमती सामान वहां से गायब देखा तो चोरी की जानकारी इमारत मालिक ने नजदीकी थाना हाथरस गेट पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर तहरीर के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के लहरा बाईपास का है। मैं आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? गड़ी तमना। अच्छा, ये चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला, किस में चोरी हुई है, कैसी हुई है? सर, रात को 10 बजे के बाद में हमने देखा, सुबह आए थे कि ताला टूटा हुआ है, इसमें दो जनरेटर, दो कुंटल सरिया, 50 किलो रिन, एक गैस सिलेंडर रात को चुर चुका है। तो सुबह हम सब लोग आए थे, देखा तो सब इसमें निकल चुका था। फिर हमने FIR करने गए थे 10 बजे में, आसपास सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। तो क्या ये कोई मैरिज होम है या कोई फैक्ट्री है? क्या अभी काम चला, निर्माण हो रहा है अभी। तो आपने पुलिस को जानकारी दे दी है इसकी? हाँ, अभी FIR करके आए हैं, इसमें असर आ चुके हैं, अभी हमने कराया, FIR करा दी। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्णनगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब्रज क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णनगर मथुरा।